ये शॉप है भाई की, देखें ये लगे हुए गोलगप्पे। ये फ्रूट चाट भी होती है इनके पास, ये आलू बुखारे की चटनी है, ये मसाले, ये रायता वगैरह, ये दही। बड़े लजीज गोलगप्पे होते हैं इनके, मज़ेदार। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फात खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। जिससे मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट फात खान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और ये देखो मेरा छोटा बेटा, सुबह सुबह उठ के इधर चौपाई पे बैठ जाता है और हंसता है माशाल्लाह से। अजहर मुँह धो लिया आपने भी? धो लिया? तो चलो फिर आओ नाश्ता करते, आओ नाश्ता करने चले, चलो आ जाओ। लो भाई, नहा धो के भी हम फारिग हो चुके हैं, नाश्ता किया है, नहाए धोए, कपड़े वगैरह चेंज किए, अब जरा चलते हैं बाहर। जी भाई रिहाबू, आप क्या कर रहे हो? मैं सुबह से नजर ही नहीं आ रहे। फिर ये झूठ बोल रहा है, अभी उठाऊँ। ये सुबह 7 बजे की इसको ऐसी आदत डली हुई है कि सुबह 7 बजे अभी उठ जाता है ये रोजाना, और हमारी भी नींद तबाह करता है। जिस दिन छुट्टी भी होती है उस दिन भी जल्दी उठ जाता है। रिहाब यार, आप सुबह के हमें तंग करने में लगे हो, कभी जेली पिज्जा खोल दो, कभी बाबा मैं बाहर जा रहा हूँ, कभी मैं खेल रहा हूँ, कभी अजरान को छेड़े हो, ऐसा क्यों करते हो? आदत लग गई अब जल्दी उठने की। जी जी हाँ, वाकई सही कह रहे हो। अब भाई आज संडे है, आज इसकी लास्ट छुट्टी है, अब ये सोएगा, फिर सुबह उठ के इसने स्कूल भी जाना है। सही बात कर रहे हो आप, जबरदस्त। आपका दोस्त का नाम क्या है? ताहा। सही जी भाई जान। हाँ जी, क्या हाल है? टिक्को आज बड़े नहा धो के फारिग हुआ भी हो? इधर तो आओ, चोरी करके लाया किससे? आप अपनी छत से कह रहे हैं, मैं छत से उठा के लेके आया हूँ गाड़ी। सरकारी चोरों वाली, हम चोर नहीं है। शक्ल है हमारी, हमारा फेस चोरों वाला, हम चोर नहीं, चोर नहीं है हम। उसे मिली है नीचे से भाई। अल्लाह के साले वाले को है ताड़े हुन वन के सब्सक्राइब बढ़ो। माशाल्लाह भाई, ए 1040 तो ते हो गए ने। मुबारक दे ने, कांग्रेचुलेशन ब्रो। थैंक यू, वेलकम। आपको इंग्लिश भी आती है? नहीं, थोड़ी थोड़ी कभी कभी आती है। कभी कभी सिग्नल ही सी आते। इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, इतनी इजी इंग्लिश है। पढ़ते हो? हाँ पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? मैं 10th क्लास में। 10th क्लास में, और आप? हम 3rd ईयर के बच्चों को पढ़ाते हैं। और मैं क्लास को पढ़ाता हूँ। आप अपनी क्लास को पढ़ाते हैं? टीचर वाले भाई आ रहे हैं, इनसे जरा थोड़ी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक करना है यार, एक इन्फॉर्मेशन लैनी सी। अगर एक होर नेट लवाना होए घर, ते ओदा आईपी एड्रेस लैदा हुंदा वे, जेड़ा आईपी एड्रेस साडा लगा दा, ओ किथे अपने कमरे च? नहीं फर्ज कर, मैं अपने घर एक होर वाईफाई लवाना वा। ओ तो दूजे उस तार तला देंगे तानू। ते आईपी एड्रेस चेंज होना चाहिदा वे ना। चलो चेंज कर देंगे, अगे बुधना दे। हैं बुधना दे? ओ ते है वे, एक हुंदा वे नेट दा आईपी एड्रेस हुंदा वे। आहो ਉਹ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਨੈਟ ਦਾ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੈ ਚੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਸੀਸ ਬਟਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੋ ਨੈਟ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਬਲ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਤੇ ਇਹ ਕੇਬਲ ਠੀਕ ਕਰਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਨੈਟ ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਮਿਲੂੰਗਾ, ਉਸੇ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਜੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਨੈਟ ਵੀ ਲਗਵਾਤਾ ਹੂੰ ਉਸਕਾ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਹੋਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਇਨਕੇ ਪੀਛੇ ਸੇ, ਤੋ ਯੇ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਨੈਟ ਵੀ ਲਗਵਾਏ ਤੋ ਉਸਕਾ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋ। क्योंकि अपलोडिंग के अंदर ये सुनने में आया कि जिस व्लॉग से आप, जिस आईडी से आप अपलोड करते हो नेट से अपना व्लॉग अपलोड करते हो, तो उस वाले यानी कि नेट से आपने अपना व्लॉग नहीं देखना, आप दूसरे नेट से अपना व्लॉग देख सकते हो। तो ये ज़रा कंफर्म कर लें, फिर देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कब लगवाते नेट। चलो रिहा बात, तोतों को दाना भी नहीं डाले, दाना डालने चलते हैं जी। इनकी लाइट ऑन करते हैं, ये बैठे मिठू, तंग नहीं करना, तंग नहीं करना मिठू। ये बताओ आप अंडे कब दोगे? अब वहाँ से मैं पानी भर के लेके आओ मग्गे में, जल्दी जाओ, पानी भी चेंज कर देंगे। पापा देखो डब्बा क्या खड़ा
तो लेके आओ ना, कुछ नहीं होता। कटोरी भी अच्छी तरह साफ करनी पड़ती है, फिर पानी डालते हैं। पता है कि नहीं रिहाबू आपको भी पानी तो लेके नहीं आ रहे थे आप। चलो भाई डर गया था। हम छोटे तोते को भी पानी डाल रहे हैं, ये बैठा हुआ, इसको भी जरा ताज़ा पानी भर दें। बड़ा अच्छा तोता ही है। रिहाब ये खोलो, ढक्कन खोलो ऊपर का, शाबाश। बस छोड़ दो, पानी पी रहे हैं, प्यास है। आज खाने में भी पता कर लें क्या बने, शाम होती जा रही है, खाना भी देखें क्या बना रहे हैं आज। ये क्या बन रहा है? बकरे के पर। जबरदस्त, काफी दिन बाद बन रहा है, अब ठंड जो आ गई। जबरदस्त है। कब तक बन जाएंगे? बस हो जाएंगे थोड़ी देर। सारे मसाले वगैरह डल गए? नहीं अभी डालेंगे, अभी तो गलाएं। हाँ भाई, अभी गलाएं तुमने बस पाए? ये मैंने इसमें नमक और साबुत लहसुन, साबुत टमाटर और एक प्याज डाल दी थी, नमक डाल के गला लिए, मतलब पानी के अंदर डाल के। हाँ, इसके अंदर डाल के गला लिए इनको। और अब ये पाया अलग कर दूंगी, इसका पानी अलग कर दूंगी, इसका जो मसाला है लहसुन वसन ये अलग कर दूंगी, मसाला इसका भुनेगा और फिर दिखाती हूँ आपको। सही। अभी तो सिर्फ आपको ये मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ कि पाई किस तरह बनती है, क्योंकि हर इंसान का बनाने का तरीका ना डिफरेंट होता है। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप मुझे कमेंट करेंगे, पूछना चाहेंगे कि आप किस तरह अपने घर में पाए वगैरह बनाते हैं अपनी रेसिपी से, तो फिर मैं पूरी रेसिपी लेके आऊँगा इसकी। अभी मैं पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा दिखाऊंगा कि किस तरह का बन रहे हैं। मसाला है ना, मैंने टमाटर और प्याज और लहसुन डाला था, ये अब निकाल ली, इसको ग्राइंड करूंगी मसाले को मैं। और ये हम देखें प्रेशर कुकर में, जैसे आपने आपको बताया ना इन्होंने, ये देखें पानी हमने अब अलग निकाल लिया, इसके अंदर जो मसाले डले हुए थे वो अलग निकाले, अब इसको ग्राइंड करेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, ये अब मसाला ये ग्राइंड करने लग गया है। अच्छा, ये पाया में ना ऑयल कम रखना, क्योंकि वैसे इतने चिकने होते हैं, बस मसाला भुने इतना ऑयल। इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे, दो चार। बस काली मिर्च डालनी, जो ग्राइंड किया वो मसाला है ना वो डालेंगे इसके अंदर। सौंफ मिर्च डालेंगे पिसी हुई इसके अंदर। हल्दी आधा चम्मच के करीब, और ये पिसा धनिया डलेगा डेढ़ चम्मच। बस इतने मसाले डालेंगे, इनको अच्छी तरह ना बनाई कर लेनी है इसकी मसाले की, 5 से 10 मिनट तक थोड़ा सा। हाँ, फिर उसके बाद ये पाए डालोगे अंदर? हाँ, उसके बाद फिर पाए, फिर ये जो है ना शो वो निकाला इसका यखनी का पानी, ये डल जाएगा, शोरबा हो जाएगा इसका। अच्छा, ये मसाला अब मैंने भून लिया, तो देखें ऑयल अलग हो गया इसका, और अब इसके अंदर पाए डालेंगे। लो भाई, इसके बाद हम डालेंगे ये शोरबा करने के लिए, जो हमने ये पानी निकाल लिया था। जबरदस्त हो गया, हमारे पाए तैयार हो गए। बस ये एक बॉयल आएगा, एक दो 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए बस, बस हमारे पाए रेडी। आसान रेसिपी आप अपने घर पे भी बनाए आराम से जब मर्जी। लोग घबराते हैं ना कि पाए कौन बनाए, बड़ी मेहनत है, ये है वो है। देखें आपके सामने मैंने खड़े खड़े हमने पाए भी बना दिए,
कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, बहुत आसान है। आप अपने घर पे इसी रेसिपी के तहत ट्राई करें और इंशाल्लाह मैं पूरी प्रॉपर रेसिपी लेके आऊँगा। अगर आप कमेंट करेंगे, पूछेंगे तसल्ली से, तो फिर इंशाल्लाह पूरी रेसिपी बनाऊँगा। इसकी खाली रेसिपी की वीडियो आएगी। उसके अलावा आप ये मेरे ब्लॉग में देख ही चुके हैं, आपका एक्सपीरियंस हो गया होगा कैसे बनते हैं। आप अपने घर पर बनाएं, इन्जॉय करें। ये देखें भाई, ये अब लास्ट में बस इसको बस पकने वाला है, ये फाइनल हो रहा है हमारे पाए। अभी फाइनल भी दिखाएंगे आपको जब फुल रेडी हो जाएगी। ऐसे चूल्हे की आग तेज करके आपने ऐसे इसको गोते लगवाने पाए को, जब गोते लग जाए 5-7 मिनट तक, फिर आप इसको उतार दें। गाड़ी हो जाए ना शोरबा। हाँ, जितना आप तेज यानी के देर तक आप पकाओगे ना उतना और गाड़ी अपनी मर्जी जितना गाड़ी करना चाहो। ये आपको फाइनल लुक दिखाते हैं हमारे पाए की। ये भाई हमारे पाए रेडी हो गए, नान के साथ रोटी के साथ इंजॉय करें। ये देखे भाई क्या चीज है, ये देखो, ये क्या आ गया, इधर ये रहा, देखा भैया, ये रहा। इसको मैं आपको बताया था, कौन खजूर है ये? हाँ, अगर खाए फिर खाते हैं। ये इंसान को जहर फैला देता है, काट ले तो। कितनी टांग है इसकी देखो। हम किचन में खाना बना रहे थे, रिहाम ने पानी फेंक दिया था, वो ये पोचा लेके आया था, ये वाला इस पोचे के अंदर आ गया था ये कन खजूरा हमारे किचन के अंदर। कह बाबा ये क्या है, छोड़ के भाग गया फटाफट। मैंने अब मार के आया उसको, मैं बाहर दिखाया है पहले मैंने आपको, फिर मैंने इसको मार के भाग के बाहर फिर आया अंदर। लो भाई हमारे पाए भी तैयार हो चुके हैं, अब मगरिब का टाइम हो गया, अब नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। नमाज के बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं। नमाज़ में पढ़ के आ गया हूँ, अब भूख जो बहुत ज़्यादा लग रही है, अब जाके खाना खाते हैं। खाना भाई लग रहा है रेडी हो रहा है, प्लेट वगैरह रोटी तो आ गई है। आपको भी भूख लग रही है, आपको भी भूख लग रही है? अच्छा, चल नहीं पा रहे खाने की वजह से भाई, इसको भी भूख लग रही है, खाने की वजह से चल नहीं पा रहा मैं। हमारा ये खाना भाई निकल रहा है डोंगे में, अब बैठ के पाए खाएंगे और एंजॉय करेंगे। क्या डिस्कस चल रही है तुम दोनों भाइयों की? आओ डम 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 डम, हाँ कौन मारा था भाई? भैया आप क्यों मार रहे थे छोटे भैया को? हाँ दोस्त, अजान क्या बात हुई है, किसने मारा था आपको, आप क्यों रो रहे थे? भैया मारा था, भैया मैं तेरे मेरी पिट्टी करूं मैं तेरी, भैया मारते भैया को, छोटे भैया को। देखा डांस पसंद आया आपको, अगर इस तरह के मजीद नए नए डांस देखना चाहते तो मुझे फटाफट कर ले सब्सक्राइब, फिर आपको देखें कैसे कैसे मैं डांस करता हूं। मुजम्मिल में आज फिर आया है, ये मुजम्मिल के साथ आया हूं मैं जरा आवारा गर्दी करने के लिए। मैं कहा चलो आपको भी दिखाते हैं हम क्या क्या मस्तियाँ करने के लिए निकले हैं। आवारा गर्दी के साथ साथ हम आ गए इधर गोलगप्पे वाली शॉप पे, गोलगप्पे दिखाते हैं सियालकोट के वहाँ पे। ये देखें रात को चस्का लगाने के लिए हम आए गोलगप्पे खाने के लिए, ये खट्टा पानी, ये हमारे मेहमान आते हैं सिंध से, उनको बड़े पसंद है ये गोलगप्पे सियालकोट के, उनके लिए देखें ये ख़ास तोहफा है। उनको मैं ज़रा दिखा दूँ किस किस के मुँह में पानी आ रहा है देख के, ये पुरानी यादें किस 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 को ताज़ा हो गई हैं। ये साथ मैंने मीठी चटनी मंगवाई हुई है, इसका अपना ही मज़ा है। देखें ये आलू बुखारे की होती है मीठी चटनी, ऐसे करके डालो फिर और टेस्ट बन जाता है। ऐसे डिप करो, जबरदस्त मज़ा आ रहा है मुजम्मिल। ओ नाल बोतल भी ठंड चुप होता है। ये देखें कि ये भी चस्का गोलगप्पे खाने का, यूँ करें ये मीठी चटनी लें आप, इसको डालें पानी के अंदर, इसको खोलें यूँ करके, सही हो गया।
फिर ऐसे पकड़े तुम्हें कहते हैं ना जिंदगी का मजा गोलगप्पों में, हाँ या मीठे पानी च भी। तो भाई आज का व्लॉग था यहाँ तक, इंशाल्लाह मिलता हूँ आपको फिर नेक्स्ट व्लॉग में। और आपको जाते जाते मैं ये बता दूँ, कल मैं जा रहा हूँ लाहौर और उससे आगे मैं एक और जगह जा रहा हूँ ज़िला कसूर के अंदर, तो वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मैंने दिखानी है। बड़े ही अच्छे व्लॉग आने वाले हैं दो दिन मेरे, तो मिस ना करना, आपने लाजमी मेरे साथ बने रहना है। और मेरे नेक्स्ट जो दो दिन व्लॉग आएंगे ना, आपने उसका अच्छी तरह मेरा वेट भी करना है, और आपने जब वो आ जाए तो उसको अच्छी तरह देखने भी है। और आपके लिए सरप्राइज़ व्लॉग लेके आ रहा हूँ, तो वो कोई भी मेरा सब्सक्राइबर मिस ना करे। और जो सब्सक्राइबर नहीं है उनको भी ये पैगाम है कि जब भी मेरा व्लॉग आया आपने वो लाजमी देखना है। उसके लिए एक अहम चीज़ उसके अंदर जो आपको इंशाल्लाह खास भी लगेगी, मज़ा भी आएगा। तो अपने भाई को भी इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलता है आपको फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। और फातिमा को जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं आपको फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। हैं जी, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, ठीक हो? इधर जॉब करते हैं आप सारा दिन? आपकी अपनी शॉप है ये हम जो गोलगप्पे खाने के लिए आए थे ना, ये भाई की शॉप है, तो मैंने कहा भाई को जब व्लॉग में लेके आए। बहुत शुक्रिया भाई आपका, एक भाई वो बैठे हुए सामने, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ये शॉप है भाई की, देखें ये लगे हुए गोलगप्पे, ये फ्रूट चाट भी होती है इनके पास, ये आलू बुखारे की चटनी है, ये मसाले, ये रायता वगैरह, ये दही, बड़े लजीज गोलगप्पे होते हैं इनके, मज़ेदार। ये भाई खड़े हुए, क्या है भाई, ठीक हो? बड़ा मज़ा आया यार, हमारे सिंध से मेहमान आते हैं वो आपके पास अक्सर आते हैं इधर, तो बड़े वो याद करते हैं कि सियालकोट के गोलगप्पे खाओ ना, तो ऐसा कुछ जायका ही कहीं नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, अब इंशाल्लाह वो देखेंगे ना व्लॉग फिर खुश होंगे। सही है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।